हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता, ऑनलाइन मैथ्स क्लास। ये फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, आपको बताया था लीनियर रिकरेंस रिलेशन के बारे में, जिसमें आपको हमने फोर लेक्चर डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4, जिसमें आपको हमने बताया था किस प्रकार से हम होमोजीनियस सोल्यूशन और नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से उनके प्रॉब्लम हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर आपका डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन एंड द जनरेटिंग फंक्शन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे केवल डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए आज हम बात करते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन एंड जनरेटिंग फंक्शन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन। ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 1। आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.sonendragupta.com पर, साथ में मेरी ब्लॉग स्पॉट पर विजिट कर सकते हैं www.sonendragupta.blogspot.in पर। इन वेबसाइट या ब्लॉग स्पॉट पर विजिट करने से आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। साथ में अगर आप आरजीपीवी से कनेक्टेड हैं तो आपको आरजीपीवी के पेपर्स के प्रीवियस सेमेस्टर के सोल्यूशन भी फुल लेंथ में मिलेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे किस कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन। नंबर 2, मैनिपुलेशन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन, यानी कि ऑपरेशन ऑन न्यूमेरिक फंक्शन, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे सम ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। सेकेंड हमारा होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ न्यूमेरिक फंक्शन बाय अ रियल नंबर। थर्ड होगा प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। फोर्थ हमारा होगा वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। देन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन, कॉन्वोल्यूशन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन, एंड लास्ट हमारा होगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इंप्रूव योर सेल्फ। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन। डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन क्या होते हैं? If R is a set of real numbers, a function whose domain is a set 0, 1, 2, 3 up to infinite of non-negative integers whose range is a subset of R is called a discrete numeric function or simply called the numeric function, and it is denoted by the AR or simply called the bold letter, इसको हम A से भी represent करते हैं। लेकिन copy में bold letter लिखना संभव नहीं हो पाता है तो हम हमेशा हम AR का ही use करते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं किस प्रकार से हम यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास दो सेट हैं। पहला सेट हमारे पास ए है, जिसको हमने यहाँ पर 0, 1, 2, 3 से रिप्रेजेंट किया हुआ, जबकि दूसरा सेट हमारे पास आर होगा, जिसको हम सेट ऑफ रियल नंबर लिख रहे हैं, और इनके बीच की मैपिंग हमारे पास होगी ए आर, जो कि ए से लेके आर होगी। अब ए के अंदर जो एलिमेंट हमारे पास होंगे वो होंगे 0, 1, 2, 3। तो 0 हमारे पास हुआ, 0 की इमेज जो आर में बनेगी वो हमारे पास बनेगी ए नॉट। इसी प्रकार 1 हमारे पास होगा तो 1 की इमेज हमारे पास होगी A1, और इसी प्रकार हमारे पास 2 होगा तो 2 की इमेज होगी हमारे पास A2। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा हमारे पास। तो ऐसे जो नोटेशन होते हैं वो डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ध्यान ये रखना है कि हमारा जो डोमेन है ये हमेशा 0, 1, 2, 3 के फॉर्म में होगा, जबकि को डोमेन यानी कि इसका जो रेंज हमारे पास होगी वो सबसेट ऑफ आर होगी। यानी कि अगर हमारे पास जो भी एलिमेंट हमें मिल रहे हैं, ये जो हमारे पास है इसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं दिस कॉल्ड द ए या ए आर। ओके, तो इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं। तो ए इक्वल टू ए नॉट प्लस ए सॉरी ए वन ए नॉट ए वन ए टू एंड ए आर। आइए कुछ एग्जाम्पल तो समझते हैं क्या हम कहना चाहते हैं। द आरिथ फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन हमने ले लिया 1, 9 और 28। 1 हमारे पास एज इट इज, लेकिन 9 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 1, और 28 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 1, लाइक इस प्रकार से। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो आरिथ फॉर्म जो हमारे पास होगा वो आर क्यू प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। यानी कि अगर हम जो आर इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा 1, आर इक्वल टू रखेंगे तो आपको 9 मिलेगा, और आर इक्वल टू 3 रखेंगे तो 28 हमें यहां पर मिलता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। द आरिथ फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन 0, 3, 6, 7, 15, 31। आप देखेंगे पहली जो 3 टर्म हमारे पास आ रही है वो 3 के मल्टीपल में आ रही है, लेकिन उसके बाद हमारे पास जो टर्म है वो हमारे पास 7 आ रहा है जो कि 8 से कम है, 15 आ रहा है 16 से कम है, और 31 आ रहा है जो कि 32 से कम है। इसका मतलब ये होगा 2 टू दी पावर आर
माइनस वन के रूल को ये फॉलो कर रहा है हमारे पास, यानी कि हमारे पास जीरो से लेकर टू तक की वैल्यू जो है थ्री के मल्टीपल है, उसके बाद सेवन, फिफ्टीन और थर्टी वन, उसके आगे की जो वैल्यू है वो टू की पावर आर माइनस वन मैन आर ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री के रूल को फॉलो कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर थ्री समझते हैं। इफ द इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ द न्यूमेरिक फंक्शन इज, हमें इसके इम्प्लिसिट फॉर्म निकाल रहे हैं न्यूमेरिक फंक्शन के, यहाँ पर जीरो से लेकर फाइव तक हमें मिल रहा है थ्री से मल्टीप्लाई, यानी कि जब जीरो रखेंगे तो हमें जीरो मिलेगा, वन रखेंगे तो थ्री मिलेगा, यानी कि जीरो थ्री सिक्स नाइन और ट्वेल्व, ट्वेल्व तक हमारे पास वैल्यू जो है हमारे पास है, और फाइव पर फिफ्टीन मिलेगा, उसके बाद वाली वैल्यू जो हमारे पास जैसे हम सिक्स रखते हैं सेवन मिलेगा, एट मिलेगा और नाइन मिलेगा, यानी कि इसका जो सिक्वेंस हमारे पास है वो इस प्रकार से हमें मिलेगा। तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन, और डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन को हम सिंपली न्यूमेरिक फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। आइए अब कुछ बात करते हैं मैनिपुलेशन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन ऑन न्यूमेरिक फंक्शन, कि अगर हमें ऑपरेशन कुछ अप्लाई करने हैं, यानी कि एडिशन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, या कुछ और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो सारे के सारे मैनिपुलेशन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन के कैटेगरी में आते हैं। तो सब मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ न्यूमेरिक फंक्शन हमारे पास है, ए आर इक्वल टू ऑफ दिस मच, देन बी आर इक्वल टू ऑफ दिस मच। अब हम यहाँ पर ए आर की वैल्यू को देखें तो ए आर हमारे पास कितना मिलेगा, जीरो से लेकर टू तक आपको मिल रहा है केवल जीरो, देन उसके बाद आर इक्वल टू थ्री रखते हैं तो टू की पावर माइनस थ्री प्लस फाइव, टू की पावर माइनस फोर प्लस फाइव, देन टू की पावर माइनस फाइव प्लस फाइव आपको मिलेगा। इसी प्रकार आपको बी आर मिलेगा, जीरो से लेकर वन जीरो रखेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, थ्री माइनस टू की पावर जीरो, वन रखेंगे थ्री माइनस टू की पावर वन, देन उसके बाद टू पे मिलेगा टू प्लस टू, थ्री प्लस टू, देन एंड सो ऑन। अब आपको बताएंगे सम ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन कैसे करते हैं, यानी कि अगर हमें किन्हीं भी दो न्यूमेरिक फंक्शन को अगर हमें एडिशन करना है तो वो किस प्रकार से किया जाएगा। द सम ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शन इज अ न्यूमेरिक फंक्शन हुज वैल्यू एट आर इज इक्वल टू द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शन एट आर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें किन्हीं भी दो न्यूमेरिक फंक्शन का अगर हमें सम करना है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम यहाँ पर एड कर देते हैं। तो अब हम किसी क्वेश्चन के थ्रू आपको बता देते हैं, यार इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर ले लेते हैं कि इनका एडिशन किस प्रकार से होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे r को यहाँ पे लिखा हुआ जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। अब यहाँ पर हमारे पास ar की पहली वैल्यू थी जीरो, देन सेकंड वैल्यू भी जीरो है, देन थर्ड वैल्यू भी जीरो, देन नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास है टू की पावर माइनस थ्री प्लस फाइव, टू की पावर माइनस फोर प्लस फाइव, और टू की पावर माइनस फाइव प्लस फाइव, एंड सो ऑन। इसी प्रकार हम b की वैल्यू को लिख लेते हैं तो br की वैल्यू है थ्री माइनस टू की पावर जीरो, थ्री माइनस टू की पावर वन, एंड टू प्लस टू, थ्री प्लस टू, फोर प्लस टू, एंड फाइव प्लस टू। अब हम इनको ऐड करना चाहते हैं, तो जब हम ए आर और बी आर को ऐड कर लेते हैं तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं सी आर, यानी कि सी आर जो हमारे पास होगा ए आर प्लस बी आर होगा। तो जीरो प्लस इसको ऐड करेंगे तो हमें यही मिलेगा, जीरो प्लस इसको ऐड करेंगे तो ये भी हमें यही मिलेगा, जीरो प्लस टू करेंगे तो टू प्लस टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टू की पावर माइनस थ्री प्लस फाइव प्लस थ्री, यानी कि हमें सेवन मिल जाएगा। इसी प्रकार टू की पावर माइनस फोर, देन हमारे पास मिलेगा टू की पावर माइनस फोर प्लस सेवन, और यहां पर भी हमें मिलेगा टू की पावर माइनस फाइव, फाइव प्लस सेवन। अब यहां से देखिएगा, जब हमारे पास जीरो से लेके वन तक की वैल्यू है तो हमारे पास थ्री माइनस टू की पावर आर के रूल को फॉलो कर रहा है, देन उसके बाद टू पे वैल्यू मेरे पास मिल रही है टू प्लस टू, यानी कि टू पे वैल्यू हमारे पास जो आरथ फॉर्म जो होगा उसका वो आर प्लस टू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वाली वैल्यू को आप देखेंगे कि टू की पावर माइनस थ्री, देन सेवन हमारा फिक्स चल रहा है, यहाँ पे फोर आ रहा है, देन हमारे पास फाइव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो हमारे पास इसकी डिस्क्रीट न्यूमेरिक वैल्यू जो हमारे पास होगी वो कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी, थ्री की पावर थ्री माइनस टू की पावर आर, जीरो से लेके वन है, आर इक्वल टू पे हमारे पास वैल्यू टू फोर मिल रही है, जबकि आर ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री पे हमारा रूल फॉलो हो रहा है टू की पावर माइनस थ्री माइनस आर प्लस आर प्लस सेवन। आप देखेंगे जैसे मैं आर इक्वल टू थ्री रखूंगा तो यहां मिलेगा टू की पावर माइनस थ्री, थ्री प्लस सेवन, फोर रखूंगा तो टू की पावर माइनस फोर, फोर प्लस सेवन, एंड फाइव रखूंगा तो टू की पावर माइनस फाइव, फाइव प्लस सेवन मिलेगा। तो आप आराम से समझ सकते हैं इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए न्यूमेरिक फंक्शन बाय अ रियल नंबर। कहने का मतलब ये किसी भी न्यूमेरिक फंक्शन में अगर हमें किसी रियल नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो वो किस प्रकार से किया जाएगा। सपोज ए आर इज ए न्यूमेरिक फंक्शन एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए आर बाय अल्फा इज ए न्यूमेरिक फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा ए आर। अब ये अल्फा हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, तो सेम हम उसी एग्जाम्पल को हम कंसिडर कर लेते हैं।
तो ए आर इक्वल टू में दिया दिस मच, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 5 का, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5 का 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा, लेकिन 5 का 2 की पावर माइनस आर प्लस 5 में करेंगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू 2 की पावर माइनस आर प्लस 25। तो ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास आएगा। तो ये होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन बाय रियल नंबर। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। अगर हमें किसी भी दो न्यूमेरिक फंक्शन का अगर आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है तो वो किस प्रकार से किया जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शन इज अ न्यूमेरिक फंक्शन हुज वैल्यू एट आर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द टू न्यूमेरिक फंक्शन एट आर। कहने का मतलब हमारे पास ये हुआ कि अगर हमारे पास दो न्यूमेरिक फंक्शन ए आर और बी आर है, अगर उनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा यानी कि वो सी आर हमारे पास कहलाएगा, और सी आर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास ए आर इंटू बी आर के फॉर्म में होगी। यानी कि अगर हम यहाँ पर सी जीरो निकालना चाहते हैं तो हमारे पास होगा ए जीरो बी जीरो, सी वन निकालना चाहते हैं तो ए वन बी वन, और सी टू निकालना चाहते हैं तो ए टू बी टू लिखाएगा। अब इसको एग्जाम्पल भी जो समझ लेते हैं आपको बेहतर तरीके समझ में आए किस प्रकार से हम कहना चाह रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शन ऑफ ए आर एंड बी आर इज डिफाइंड एस सी आर, एंड इसको लिखा जाता है सी आर इक्वल टू ए आर इंटू बी आर। अब इसको हम लिख लेते हैं आर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव हमने ले लिया, ए आर की वैल्यू हमने आपको बताई है पहले ही, तो ये हमने ए आर की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, बी आर की वैल्यू को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई करते, हम यहाँ पर अगर सी आर निकालना चाहते हैं जीरो का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मिलेगा, जीरो का इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें जीरो मिलेगा, और जीरो का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें जीरो मिलेगा। यानी कि जीरो से लेकर टू तक की जो वैल्यू है वो जीरो लिखा रही है। अब इसके बाद की वैल्यू अगर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मेट चल रहा है टू की पावर माइनस थ्री प्लस फाइव इन ब्रैकेट थ्री प्लस टू, देन टू की पावर माइनस फोर प्लस फाइव इन ब्रैकेट फोर प्लस टू, एंड टू की पावर माइनस फाइव प्लस फाइव इन ब्रैकेट फाइव प्लस टू। यानी कहने का मतलब ये हुआ ये थ्री से लेके आगे की जो वैल्यू है वो टू की पावर माइनस आर, टू की पावर माइनस आर प्लस आर, आर प्लस टू के रूल को फॉलो कर रही है। यानी कि इसका जो न्यूमेरिक लिखने का तरीका जो होगा हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, यही हमारा आंसर है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पर आपको वैल्यू ऑफ ए न्यूमेरिक फंक्शन निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको न्यूमेरिक फंक्शन दिया जाएगा उसकी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना होती है। तो इफ ए आर इज ए न्यूमेरिक फंक्शन देन मॉड ऑफ ए आर यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, डू नॉट ए वैल्यू ऑफ ए न्यूमेरिक फंक्शन हुज वैल्यू एट आर इज ए आर इज नॉन नेगेटिव, यानी कि इसमें नेगेटिव वाले पार्ट को हटा देना है, बाकी सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेंगी। तो एग्जाम्पल को समझते हैं, अगर मान ली ए आर इक्वल टू लिखा माइनस वन टू दी पावर सेवन अपॉन आर क्यू। अब इसका अगर मैं ये वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन निकालना है यानी कि मॉड ऑफ ए आर निकालना तो माइनस वन टू दी पावर आर यहां से रिमूव हो जाएगा, तो आपका आंसर जो होगा सेवन अपॉन आर क्यू लिखाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ ए न्यूमेरिक फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारा है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ ए न्यूमेरिक फंक्शन। किस प्रकार से हम किसी भी न्यूमेरिक फंक्शन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस निकालते हैं। If AR is a numeric function, then the forward difference of AR is denoted by of delta AR. और इस delta AR को लिखने का जो तरीका होता है वो हमारे पास होता है this is AR plus 1 minus AR. इसको ये लिखने का तरीका होता है। किस प्रकार से लिखेंगे? Delta AR equal to AR plus 1 minus AR. इसी प्रकार यदि हम इसका backward difference लिखना चाहते हैं तो backward difference को हम denote करते हैं by the naval AR. या इस नेवल ए आर को लिखने का तरीका होता है ए आर माइनस वन, लेकिन ध्यान रखना है कि ये आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए अप्लाई हो रहा है। और साथ में अगर हम यहाँ पर ए नॉट की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए नॉट की वैल्यू जो होगी डेल्टा में नेवल ए नॉट इक्वल टू ए नॉट, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि हमारे पास ये डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू लिखी जाती है। आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं किस प्रकार से हम फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस निकालते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि इफ ए आर इज ए न्यूमेरिक फंक्शन एस ए आर इक्वल टू ऑफ दिस मच देन फाइंड डेल्टा ए आर एंड नेवल ए आर। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी, तो यहाँ पर ए नॉट कितना मिलेगा हमें जीरो से लेकर टू तक वैल्यू कितनी मिलेगी जीरो, यानी कि ए नॉट भी मिलेगा जीरो, ए वन भी जीरो मिलेगा और ए टू भी जीरो मिलेगा, जबकि आर इक्वल टू थ्री से वैल्यू मेरे पास होगी टू की पावर माइनस थ्री प्लस सेवन यानी कि 57 बाय 8। अगर 4 रखेंगे तो 2 की पावर माइनस 4 प्लस 7 यानी कि 113 अपॉन 16, और ऐसे अगर हम 5 रखेंगे तो 2 की पावर माइनस 5 प्लस 7 यानी कि 225 अपॉन 32 मिलेगा। अब सपोज कर लेते हैं कि बी आर इक्वल टू हमारे पास डेल्टा ए आर, और डेल्टा ए आर को लिखने का तरीका ए आर प्लस 1 माइनस ए आर।
अब यहाँ पे हम r की वैल्यू को रखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, तो जैसे अगर हम b नॉट निकालते हैं तो b नॉट की वैल्यू होगी a1 वन माइनस ए नॉट, यानी कि हमारे पास मिलेगा 0 माइनस 0। अब b2 अगर हम निकालना b1 निकालना चाहते हैं तो a2 टू माइनस ए वन होगा, a2 हमारे पास 0, देन a1 भी हमारे पास 0, यानी कि ओवरऑल 0 मिल गया। अब b2 हमारे पास होगा a3 थ्री माइनस ए टू, यानी कि 57 बाई 8 माइनस 0, यानी कि 57/8 ही मिलेगा। और b3 अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास होगा a4 माइनस ए थ्री, यानी कि 113/16 माइनस 57/8, यानी कि जो हमारे पास आएगा -1/16, जिसको हम लिख सकते हैं -1/2^3+1। b4 अगर हम निकालते हैं तो वो हमारे पास होगा a5 माइनस a4, a5 आपके पास है 225/32 एंड 113/16, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास आता है -1/32, और -1/32 को हम लिख सकते हैं -1/2^4+1। तो ये हमारे पास, अब इस टर्म को अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम जैसे अगर हम यहाँ पर बी आर अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमारे पास होगा -1/2^r+1। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास होगा, यानी कि इसका जो फंक्शन का न्यूमेरिक फंक्शन का जो फॉरवर्ड डिफरेंस वैल्यू जो होगा वो -1/2^r+1 होगा। आइए समझते हैं किस प्रकार से अगर इसका बैकवर्ड डिफरेंस निकालना चाहते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो बैकवर्ड डिफरेंस लिख लिया सी आर इक्वल टू नेवल ए आर, ए आर माइनस वन माइनस ए आर माइनस वन। लेकिन ध्यान रखना है कि नेवल ए नॉट अगर हम निकालते हैं, यानी कि सी नॉट निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू हमारे पास ए नॉट के बराबर लिखी जाएगी। तो आर इक्वल टू रखना है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखा था वो आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए लिखा था। सी नॉट हमारे पास ए नॉट ही रहेगा, जैसे कि हमारी डेफिनेशन है। तो सी नॉट की वैल्यू मेरे पास 0, ओनली 0 लिखाएगी हमारे पास। अब हमारे पास सी वन होगा ए वन माइनस ए जीरो, तो ए वन हमारे पास था 0 और ए नॉट भी हमारे पास 0 था, यानी कुल मिलाकर 0। सी टू निकालना चाहते हैं ए टू माइनस ए वन, ये भी हमारे पास 0 मिलेगा। सी थ्री हमारे पास होगा ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री की वैल्यू थी मेरे पास 57/8 माइनस 0, यानी कि 57/8 ही मिलेगी। सी फोर की वैल्यू मेरे पास है ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर की वैल्यू थी मेरे पास 113/16 माइनस 57/8, यानी कि जो कि हमारे पास मिलेगा -1/16, यानी कि -1/2^4। सी फाइव हमें मिलेगा ए फाइव माइनस ए फोर, अब ए फाइव हमारे पास कितना था 225/32 माइनस 113/16, जो कि हमारे पास मिलता है -1/32, जो कि हमारे पास होगा -1/2^5। तो हम क्या देख रहे हैं, सी फाइव निकालते तो 2^5 मिलता है, सी फोर निकालते 2^4 मिलता है, तो सी आर निकालेंगे तो -1/2^r मिलेगा। तो हमारे पास सी आर इक्वल टू होगा नेवल ए आर इक्वल टू -1/2^r, यानी कि दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। डियर फ्रेंड, किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहे, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं, उससे पहले हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में आपको बताया जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में जनरली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉन्वोल्यूशन किसे कहते हैं? इफ ए आर एंड बी आर आर टू न्यूमेरिक फंक्शन, देन कॉन्वोल्यूशन ऑफ ए आर एंड बी आर इज डिनोटेड बाय a r star b r। यही इसकी पहचान है। अगर किसी क्वेश्चन में अगर स्टार लगा के दिया हुआ है न्यूमेरिक फंक्शन में, तो आप समझ जाइए कि वहां पर आपको कॉन्वोल्यूशन के बारे में कहा जा रहा है। तो कॉन्वोल्यूशन को हम यहाँ पर सी आर से डिफाइन कर रहे हैं, तो सी आर इक्वल टू होगा ए आर स्टार बी आर, और ए स्टार बी आर लिखने का तरीका जो होगा वो के इक्वल टू 0 से आर ए के बी आर माइनस के होगा। अब यहाँ पर सच दैट सी जीरो इक्वल टू होगा ए जीरो बी जीरो। अब इसको मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको बेहतर तरीके समझाता हूँ किस प्रकार से हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को अप्लाई करते हैं। इफ ए आर एंड बी आर आर टू न्यूमेरिक फंक्शन, फाइंड ए आर स्टार बी आर, जैसे कि स्टार लगा होता है आप समझ ही गए कि हमारा कॉन्वोल्यूशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम ए आर को ए आर से उसका ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री निकाल लेंगे, और बी आर से उसका बी नॉट बी वन बी टू बी थ्री निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर निकाला आर इक्वल टू 0, 1, 2, 3 के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो सी नॉट हमारे पास होगा ए नॉट बी नॉट, ए नॉट की वैल्यू मेरे पास है 1 और बी नॉट की वैल्यू भी मेरे पास है 1, यानी कि आपको 1 मिलेगा। सी वन इक्वल टू होता है के इक्वल टू 0 से लेके 1, क्योंकि हमने यहाँ पर आर इक्वल टू 1 रख दिया, तो ए के बी बी 1 माइनस के, तो के इक्वल टू 0 रखेंगे तो मिलेगा हमें ए नॉट बी 1,
के इक्वल टू वन रखेंगे तो ए वन बी नॉट, और ए जीरो बी वन की वैल्यू मेरे पास वन वन है, और ए वन और बी नॉट की वैल्यू भी वन वन, यानी कि ओवरऑल टू मिलेगा। अब यहाँ निकालते हैं सी टू मेरे पास कितना लिखा आएगा, सी टू इक्वल टू लिखा के इक्वल टू जीरो से टू ए के बी टू माइनस के, कुछ इस प्रकार से। अब इस समेशन को अगर हम ओपन करें आपको मिलेगा ए नॉट बी टू, ए वन बी वन और ए टू बी नॉट। इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ रखेंगे तो आपको वैल्यू मिल रही है 1.1, 1.1, 1.1, यानी कि 3 मिल रहा है। इसी प्रकार अगर हम C3 निकालेंगे तो C3 हमारे पास होगा के इक्वल टू जीरो से लेके 3, ए नॉट बी 3, ए वन बी 2, ए टू बी 1 और ए 3 बी नॉट। तो 1 क्रॉस 0 देन 1.1 या 1 क्रॉस 1 एंड 0 क्रॉस 1 यानी कि 2। तो ये वैल्यू आपको मिल रही है ओनली 2, क्योंकि ये वैल्यू आपको मिल रही है एक तो यहाँ से मिल रही है और यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 2 लिखाएगी। नेक्स्ट C4 अगर हम देखें तो C4 की वैल्यू k इक्वल टू 0 से लेके 4 ए के बी 4 माइनस के, जैसे समेशन को ओपन करेंगे तो ए नॉट बी 4, ए वन बी 3, ए टू बी 2, ए 3 बी 1 एंड ए 4 बी नॉट मिलेगा। इन सबको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास केवल एक ही वैल्यू यहाँ मिल रही है यानी कि 1। C5 निकालते हैं तो ए के बी माइनस 5 माइनस के विच इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि जब 0 और 4 पे हमारे पास 1 मिल रहा है, 1 और 3 पे 2 मिल रहा है, और r इक्वल 2 पे 3 मिल रहा है, और r इसके बाद जो वैल्यू मिलेगी उन सब पे आपको मिलेगा 0। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। इस पे बेस हम एक क्वेश्चन आपको और बता रहे हैं जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम किस प्रकार से अप्लाई की जाती है। इफ ए आर बी आर एंड सी आर आर 3 न्यूमेरिक फंक्शन सच दैट सी आर इक्वल टू ए आर स्टार बी आर, गिवन दैट ए आर और सी आर हमें दे रखें, जबकि क्वेश्चन में आपको बी आर निकालने को कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर ए आर और सी आर की वैल्यू पुट कर दी और साथ में हमने डेफिनेशन को लगाने स्टार्ट किया। तो ए नॉट हमें मिल रहा है 0, सॉरी ए नॉट हमें मिल रहा है 1, ए 1 हमें मिल रहा है 2, 2 के 2 से ग्रेट 2 और 2 से ग्रेटर वाली सारी वैल्यू हमें 0 मिल रही है, यानी कि ए 2 भी 0 मिलेगा, ए 3 भी 0 मिलेगा और ए 4 भी 0 मिलेगा। इसी प्रकार हम सी नॉट की बात करें, सी नॉट हमें मिल रहा है 1, लेकिन उसके बाद की जो वैल्यू रही वो सारी 0 मिल रही है, तो हमने वहां 0 वैल्यू रख दी। अब गिवन दैट सी आर इक्वल टू होता है ए आर स्टार बी आर, एंड सिंस सी आर इक्वल टू होता है ए आर स्टार बी आर जिसकी वैल्यू होती है ए के बी आर माइनस के। अब आर इक्वल टू हमने 0, 1, 2, 3, 4 रखना स्टार्ट किया, तो सी नॉट होता है ए नॉट बी नॉट। तो अब सी नॉट में हमारा ए नॉट की वैल्यू मेरे पास 1 है, बी नॉट में ये निकालना है, और सी नॉट की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो बी नॉट मिलेगा हमें 1। सी वन हमारे पास होता है ए नॉट बी वन प्लस ए वन बी नॉट, सी वन की वैल्यू मेरे पास है 1, सी वन की वैल्यू मेरे पास है 0, ए नॉट की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो 1 क्रॉस बी वन प्लस 2.1 यानी कि बी वन की वैल्यू मिल रही है माइनस 2। इसी प्रकार अगर हम सी टू की वैल्यू निकालना चाहते, सी टू हमारे पास होगा ए नॉट बी टू, ए वन बी वन, ए टू बी नॉट, सी टू की वैल्यू मेरे पास है 0। ओके, सी टू की वैल्यू मैंने यहाँ 0 रखा, तो 1 क्रॉस बी टू, 2 क्रॉस माइनस 2, क्योंकि हमारे पास बी नॉट की वैल्यू निकल चुकी है, तो हमारे पास मिलेगा बी टू इक्वल टू माइनस 4 यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार हम सी थ्री निकालेंगे तो सी थ्री हमारे पास कुछ इस प्रकार से लिखाएगा, और सी थ्री की वैल्यू भी मेरे पास 0 है, तो बी थ्री हमें यहाँ पर मिल जाएगा माइनस 8 यानी कि माइनस 2 का क्यूब। हम यहाँ सिमिलरली कह सकते हैं बी आर की वैल्यू की माइनस 2 की पावर आर, तो हैंस द वैल्यू ऑफ बी आर इज बी आर इक्वल टू माइनस 2 की पावर आर, दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आपको बेहतर तरीके समझ में आया किस प्रकार से हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आइए आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे रखे हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिएगा, साथ में मैंने इनके आंसर्स भी दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देयर आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 एंड देयर आंसर, एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड देयर आंसर। इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट आता है तो क्वेश्चन को आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा मेरी ये कुछ बुक्स हैं जो मैं मेरी ऑनलाइन आपकी बुक्स मिलेगी, आप इन्हें www.dhanpatraybooks.com से परचेस कर सकते हैं, विदिन 4 और 5 डेज में बुक आपके घर पे अवेलेबल होएगी यदि आप ऑनलाइन इसे ऑर्डर करते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर सोनेन्द्र गुप्ता ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर। फेसबुक में मेरे 2 पेज है, मैथ्स फॉर यू एंड आरजीपी पेपर्स। इसके अलावा मेरे ब्लॉग स्पॉट पर आप विजिट कर सकते हैं www.sonendragupta.blogspot.in पर। साथ ही
आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.sonamgupta.com पर। आप YouTube पे तो मुझे देख ही रहे हैं, तो YouTube पे आपको समझ में आ ही रहा है। इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमने डिस्कस किया कि क्या मीनिंग होता है डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन का, और डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन पे किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए। साथ में मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आपको बताए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा यानी कि लेक्चर नंबर 2, हम डिस्कस करेंगे जनरेटिंग फंक्शन के बारे में। तो इस लेक्चर को मिस मत करिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, साथ में बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जनरेटिंग फंक्शन। साथ में मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे दो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, मैथ्स फॉर यू 1 एंड मैथ्स फॉर यू 2, दोनों की ही इन्विटेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप उनको क्लिक करेगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताएं। आप अगर चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी, आप कलीग को भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू वेरी मच।